पारिवारिक फिल्म है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है सुपर नानी। कुछ नहीं, दिल पे पत्थर रख के काम किया था मैंने, और रेखा जी के साथ दूसरी फिल्म में ये काम करने का मौका लगा है, एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हर। डब्बू जी, इंदु जी, ऑल वंडरफुल पीपल आई गॉट अ चांस टू वर्क विद। इंदु जी के साथ मुझे कब से काम करना था, फाइनली इस फिल्म में काम करने का मौका मिला मुझे। श्वेता के साथ काम कर रहे हैं इस फिल्म में, वी हैड अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप एंड इट्स बीन फन वर्किंग ऑन दिस फिल्म। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है, जो कहानी है, हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड थे, और बिकॉज हम सारे एक्साइटेड थे तो काम भी उसी तरीके से और उसी माहौल में हो रहा था, और बस अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगी। मैं एक बहुत अच्छा नाना हूँ और बहुत बुरा भी हूँ। मैं हर चीज़ आपको अभी बता दूंगा तो आप फिल्म में कैसे देखेंगे। तो मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं किया है, आप रणधीर कपूर को एक नए रूप में देखेंगे, और मजाकिया भी हूँ पर थोड़ा इंटेंस है, थोड़ी इमोशनल पिक्चर है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको बहुत पसंद आएगी फिल्म, कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, जैसे कि इंद्र कुमार जी ने पहले बनाई है दिल बेटा, ये उस जॉनर में है। इनिशियली थोड़ा सा नर्वस कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं था, नर्वस कह सकते हैं, बट देन इवेंचुअली वी अंडरस्टूड एक दूसरे का काम करने का तरीका, एंड जैसा जैसा डायरेक्ट डायरेक्शन देते थे मैं वैसा वैसा करते जाती थी, उनको शिकायत का मौका नहीं दिया, तो आई थिंक ही इज़ हैप्पी विथ मी एंड दैट्स लाइक द डील फॉर मी। एक्चुअली ये स्क्रिप्ट का ऐसा कमाल था कि मुझे किसी के साथ भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जिसने भी स्क्रिप्ट सुनी इमिजिएटली हाँ कहा। मैंने भी स्क्रिप्ट देखी, मैंने सोचा इमिजिएटली ये फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि ये एक प्ले है बाए मारी बाउंड्री, उस पे आधारित है ये। तो जब मैंने प्ले देखा उसी रात मैंने डिसाइड कर लिया कि इसकी मैं फिल्म बनाऊंगा। सो जिस तरीके से मैं लव एट फर्स्ट साइट हुआ, वैसे ही ये स्क्रिप्ट के साथ हुआ है हर एक का, रेखा जी हो, रणधीर जी हो या शर्मन हो, सबका यही रिएक्शन रहा, सबने स्क्रिप्ट सुनी, हमको ये फिल्म करनी है। इसमें मस्करापन नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉमेडी जॉनर, एक अलग किस्म की स्टोरी है जिसमें रेखा ने और मैंने पहले नहीं किया है, और उसमें वो कभी, मेरी पत्नी तो कई फिल्मों में रह चुकी हैं, माशुका रह चुकी हैं, बट हमने नाना नानी का किरदार पहली बार किया है, और रेखा ने बहुत बखूबी से अपना किरदार निभाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही पसंद आएगा और इस प्रोग्राम को देखने वालों को और रेखा के चाहने वालों को उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे पसंद आया है। एक रेखा एक नए रूप में है इस फिल्म में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, डब्बू जी इज वो मजाक के तौर पे भी बहुत सारा बहुत मस्ती करते रहते थे, एंड डब्बू जी इज़ अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, जो उनके दिल में है वो उनके ज़बान पे रहता है, एंड ही हैज़ बीन द लाइफ ऑफ द सेट एज सच। इतनी सारी कहानियाँ हम सारों को, हम लोग साथ इकट्ठे बैठ जाते थे डब्बू जी के साथ इन बिटवीन शॉट्स, और उनसे डिफरेंट स्टोरीज एंड डिफरेंट थिंग्स टू हियर फ्रॉम हिम, एंड इट्स बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। लाइकवाइज लाइक आई मेंशनड अर्लियर विथ रेखा जी, इंदु जी एंड एवरीवन एल्स, श्वेता। Yeah. Super fun experience, because I can say one thing, that whenever Dabu ji was on set, the whole set used to be very lively, and aapko literally set pe hasne ki awaaz hai, matlab like gunjti hui sunai deti, because he used to keep the atmosphere so light and so like, you know, full of fun. So superb experience with all of them. Actually 31st ka week solo week hai, aur us week mein do holidays hain, so uska benefit humko mil raha hai, to humne ek week shift kar di. Really hoping for it to become a super duper hit, and the audience, मतलब audience को मज़ा आए ये picture देखने के बाद, and हमें उनका बहुत सारा प्यार मिले। We wishing for the world. We are all hoping that you know, the best happens to Super Nani because it deserves it, and बस go out there and watch it. I'm sure you'll love it. मैं चाहता हूँ कि Super Nani एक दिवाली का धमाका करे और सबके दिलों में एक फुलझड़ी की तरह एक उज्वला लाए, ग्लिटर्स विद ऑल हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज फॉर एवर। हम चाहते हैं कि सुपर नानी सुपर हिट हो, हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये है, आमीन। तो बाकी भगवान के हाथ में, हमने हमारा काम कर लिया, अब ऑडियंस अपना काम करेगी।